चित्रकूट के एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ी। उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत के बाद देर रात ले जाया गया अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चित्रकूट में संचालित एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की तबीयत शनिवार की रात अचानक बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत पर लगभग दर्जन भर से अधिक बच्चों को देर रात जानकी कुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों के इस हालत के मामले में विद्यालय प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। हासिल जानकारी के मुताबिक एकलव्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चित्रकूट में रहने और पढ़ने वाले कई छात्र छात्राओं की तबीयत शनिवार को देर रात अचानक बिगड़ गई। एक के बाद एक कई छात्र छात्राओं के पेट में दर्द शुरू हो गया और वे उल्टी, दस्त से परेशान हो गए। आनन फानन में बच्चों को नजदीकी जानकी कुंड अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर चित्रकूट के नायब तहसीलदार हिमांशु शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना और उनके इलाज के संबंध में डॉक्टर से जानकारी ली। चित्रकूट पुलिस ने भी अस्पताल पहुंचकर बच्चों के बयान दर्ज किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे दूषित भोजन के कारण फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हालांकि अभी डॉक्टरों ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है और विद्यालय प्रबंधन ने भी एक साथ इतने बच्चों को एक ही जैसी समस्या होने के मामले में चुप्पी साध रखी है। बताया जाता है कि चित्रकूट के एकलव्य विद्यालय में अव्यवस्था हावी है। बच्चों की देखरेख और उनके खान पान में लापरवाही के आरोप प्राचार्य और अन्य स्टाफ पर अक्सर लगते रहे हैं। हाल ही में बद इंतजामी से नाराज होकर छात्र छात्राओं ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था। बाद में एसडीएम मझगवां जितेंद्र वर्मा ने मौके पर पहुंचकर पटाक्षेप कराया गया था। अब एक साथ इतने बच्चों की तबीयत बिगड़ने की बड़ी घटना सामने आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।